राधा स्वामी। मैं शब्द भी सुने हैं, मैंने शब्द पढ़े भी हैं, कबीर साहब को पढ़ा, स्वामी जी को पढ़ा, हर महापुरुष ने अपनी जिंदगी का अनुभव लिखा है, हर महापुरुष ने अपनी जिंदगी का अनुभव लिखा है। लेकिन क्या उस संत के अनुभव के ऊपर हम चल सकते हैं? एक सवाल है। जो कबीर ने लिखा, क्या उस पर एक साधारण आदमी चल सकता है? बाबा फकीर चल सकता है, उन्हें चला, वो चले, या कबीर सब खुद चले होंगे? लेकिन उन्होंने भी लिख दिया, अरे मन धैर्य का है ना धरे, उन्होंने भी लिखा। तो हर इंसान कुदरत का एक अद्भुत नमूना है। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, हर इंसान एक दूसरे से नहीं मिल सकता, दो बातों में हम मिलते हैं केवल, शरीर है पांच तत्व का बना है, लेकिन वो भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलेगा। आप कई हजार साल पहले लोगों का रूप देखो, या कोई तस्वीर देखो, या कोई स्टिच देखो, वो अलग है, आज के इंसान का रूप अलग है, बिल्कुल अलग, कोई नहीं मिलता। मन हमारे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो फिर कहाँ जाए? क्या मैं किसी दूसरे के मन की बात के ऊपर चल सकता हूँ? मैंने महसूस किया कि नहीं चल सकता। मुझे अपना तजुर्बा, अपनी जिंदगी का अनुभव खुद करना है। मैंने अपनी जिंदगी का अनुभव खुद करना है, और वो कैसे होगा? गुरु की आज्ञा पर चलते हुए होगा, वैसे नहीं होगा। तुम अपनी मनमर्जी करोगे तो वो नहीं होगा। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, तुम अपने मन को काबू नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको एक शब्द सुनाता हूं, स्वामी जी महाराज के शब्द निकालो। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। स्वामी जी महाराज अपने शिष्य को कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। किसको कहा? राय सालग्राम साहब को कहा। मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम कैसे उस चीज को पा सकते हो, मगर उस पर चलना होगा, और उस पर चले बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम नहीं पहुंच सकते। तो गुरु की आज्ञा पर चलना है, तो वो बेहतर जानते हैं कि ऐ इंसान तूने क्या करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सी करनी करनी है, और किस रास्ते पर चलना है, वो बताते हैं कि क्या करना है। सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। अब रूप जो है गुरु का रूप, वो न्यारा है, किसी से मिलाप नहीं खाता। न्यारा होता है जो बिल्कुल अलग है। तो क्या हमारा रूप ये है? ये नहीं है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सबका रूप अपना अपना न्यारा न्यारा है, अलग अलग है। किसी का किसी से रूप नहीं मिलता, भाई का भाई के नहीं मिलता, बहन सा बहन से नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर का असली रूप है, वो बिल्कुल न्यारा है। कैसे न्यारा है वो आगे बताते हैं। वो कहते हैं, देख प्यारे तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, मेरा रूप बहुत न्यारा है, अगर तू उसको देखना चाहता है तो मेरे रास्ते में जो कहूँ उस पर चलना है। क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। वह तो रूप रखे नहीं कोई, जब लगे देऊ ना सहारा। हाँ, ये हुई ना बात। उस रूप को कोई भी इंसान अपने लेवल पर नहीं देख सकता जब तक उसके पीछे गुरु का सहारा ना हो। बड़े नाम दिए जा रहे हैं,
कोई पांच नाम दे रहा है, कोई सात नाम दे रहा है, कोई कोई नाम दे रहा है, लेकिन असली नाम का किसी को पता नहीं। महाराज जी ने, बाबा फकीर जी ने बताया कि जब वो वहाँ गए, ताराचंद, संत ताराचंद जी के दनौद गए, ले गए थे वो, तो ताराचंद जी ने महाराज जी को बात सुनाई। कहते महाराज जी आपको मैं नाम की बात सुनाता हूँ, मैं किसी कबीर पंथी के डेरे पर गया तो वहाँ एक औरत बड़ी मस्ती में बैठी है, बहुत खुशी में बैठी। मैंने उसको, बेटा माता तुम कौन सा नाम जपती हो, क्योंकि वो भी तो संत थे। कहती महाराज मैं नाम जपती हूँ बकरी के तीन टांग, ये नाम। तो कहते मैं उस डेरे के संत को मिला, उसको पूछा कि उस माता को तुमने क्या नाम दिया। कहते क्या बताऊँ, हर रोज आकर मेरा कान खाती थी, महाराज नाम दे दो, नाम दे दो, नाम दे दो। तो मैंने क्रोध में आकर कहा बकरी के तीन टांग। वो इसी का स्मरण करती हुई उसका ध्यान लग गया। ये बाहरी नाम जो है ये मन की एकाग्रता के लिए दिया जाता है कि मन यहाँ आ जाए। ये बिखरा हुआ है, दौड़ा हुआ है, ये टिकता नहीं है। दिन को चैन नहीं, रात को चैन नहीं, स्वप्न में चैन नहीं। स्वप्न में तुम्हें बड़े तरह तरह के सीन दिखाता है। तो इसका इलाज क्या है, संतों ने निकाला है, गुरु की आज्ञा का पालन करना और जो वो कहें उस पर चलना, ये जरूरी है। तो अब जहाँ स्वामी जी क्या कहते हैं, उस रूप को कोई नहीं देख सकता जब तक मैं सहारा ना दूँ। गुरु के सहारे के बगैर कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर हम अपनी मन मर्जी करेंगे तो मन हमें कभी भी कहीं भी गिरा सकता है। ये बहुत महाचंचल है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर तुम नाम का स्मरण करना चाहते हो तो पहले इसलिए नाम का स्मरण करो कि मेरे अंदर की गंदगी निकल जाए, तब जाप करो। पहले केवल इसलिए नाम का स्मरण करो कि मालिक मेरे मन में जितनी भी बुराई है, जितनी भी गंदगी है, वो साफ हो जाए, मेरा मन साफ हो जाए, ताकि मैं यहाँ ठहर सकूँ। तो मन ठहरना शुरू हो जाएगा। अगर वैसे ही आदमी नाम ले लिया और इस बात को समझा नहीं तो फिर क्या होगा। नाम तो जपने से ताकत तो आएगी, मन में तो एक, मन में एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे वो इकट्ठा जहाँ होगा वो बलवान हो जाएगा, फिर जो तुम्हारे अंदर है वो बढ़ जाएगा। अगर तुम कमी हो तो कमी ज़्यादा हो जाओगे, लालची हो तो लालची ज़्यादा हो जाओगे, चुगली करने वाले हो तो चुगली ज़्यादा करोगे। देखा है मैंने नामदारियों का हाल। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक मैं सहारा ना दूँ, सहारे का मतलब मैं तुम्हें तरीका ना बताऊं। पढ़ो यही लाइन दोबारा। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ ना सहारा। सहारे का मतलब आदेश, बच्चा यूं नहीं यूं चलना। जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है उसको माँ बाप सब कुछ देते हैं। ऐसे गुरु हैं, गुरु भी जब आप उनकी आज्ञा का पालन करोगे वो मेहरबान है, वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख देगा। क्या कहा मैंने। अब हदायत देखो क्या कहते हैं। करनी करो मारे मन डालो, इंद्रियों के द्वारा। पहली बात करनी करो। करने का मतलब क्या है, एक होता है कर्म, जिसको करने से हम अपनी रोटी कमाते हैं वो कर्म है, नौकरी करते हैं वो कर्म है, बिजनेस करते हैं वो कर्म है, जो भी हम काम करते हैं जिससे हम भोजन कमाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं वो कर्म है। करनी है केवल अपने अंदर बैठना और बैठकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मन को एकाग्र करने की कोशिश करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उसको कहते करने। अब वो कहते करने करो मार मन डालो। मन तो मरता नहीं है, जे नहीं मरेगा, संतों का नहीं मरा, हमने क्या मारना। बाबा फकीर कहते थे जे मुझे नहीं छोड़ता। क्या कहा मैंने, तो मन तो मरेगा नहीं, मन को नथ डालना है, इसको पकड़ना है, इसको अपने ठहराना है। जब ये ठहर गया तो ये मर गया, समझो, बात समझ गए।
कबीर साहब ने तो जहां तक कह दिया, मन तू थकत थकत थक जा और तू खत्म ही हो जा, बस हो जा, तू सो जा, यहां तक कह दिया। लेकिन ये होता नहीं है। हो सकता कबीर साहब ने कर लिया हो। मन नहीं मरेगा, मन को अपना मित्र बनाना है, मन को अपना सज्जन बनाना है, मन को अपने अंदर करना है, मन को एक ऐसा रास्ता बताना है जिस पर उसको चलने से थोड़ा धारस मिले, उसको लालच हो जाए कि मैं इधर चलूँगा तो मेरा फायदा है। जैसे बच्चा है उसको खिलौना दे दो वो खुश हो जाएगा। मन को खिलौना देना अंदर, कौन सा खिलौना? गुरु की आज्ञा का, बस बात बन जाएगी। तो इसलिए कहते हैं मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, इंद्रियों के द्वारे को रोको। हमारी पांच कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के अधीन हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के आँख है, कान है, नाक है, वचन है और हमारी ये त्वचा है, ये जो चमड़ी है, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, इन पर नियंत्रण रखना है। ऐसे इच्छा से, बुरी इच्छा से किसी को टच करोगे उसका प्रभाव अलग होगा, बुरी आँख से किसी को देखोगे उसका प्रभाव अलग होगा, बुरी वाणी सुनोगे उसका प्रभाव अलग होगा, सत्संगत में जाओगे उसका प्रभाव अलग होगा, मीठी वाणी बोलोगे उसका शरीर पर असर और होगा, और अगर कड़वी वचन बोलोगे तो तुम्हारे शरीर पर असर और होगा। क्या कहा मैंने? तो ये हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये हमारे जीवन का आधार है, मैं यहाँ तक समझा। अगर ये कंट्रोल में आ गई तो मन बहुत हद तक अपने कंट्रोल में आ जाएगा। यही गाइड कर, यही हमें तंग करती हैं आँखें, ये हमें तंग करते हैं बुरी बातें सुनने के लिए। और क्या कहा? रसना हमारी खाने के लिए कहती है, ये लाओ ये लाओ। इनको सोचना है कि इनको खाने को क्या देना है क्या नहीं देना, इसलिए ये पहली कंडीशन लगाई गई हैं। जब तक हम इन कंडीशन पर नहीं चलेंगे तब तक हम अपने घर नहीं पहुँच सकते। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। अब ये बात बहुत ऊंची है। वो कहते हैं अपनी सुरत को गगन में चढ़ा दो। पहली तो बात ये है कि हमें सुरत का ही नहीं पता, सुरत किसको कहते हैं? सुरत एक हमारा चौथा अंग है और वो चौथा अंग सारे शरीर का, मन का, आत्मा का मालिक है। सुरत नहीं है, अगर इंसान को सुरत नहीं है, बेहोश है, होश नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? बाबा की ने तो हमें बहुत तरह तरह के ढंग से समझाने की कोशिश किया कि सुरत क्या है। वो पता लग गया कि सुरत ये है, वो मन नहीं है, वो शरीर भी नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो है, वो है। वो कहते हैं मन को छोड़कर अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ा लो, यहाँ ले जाओ, फिर पढ़ो यही लाइन। सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। सुन शिखर जहाँ कुछ भी नहीं है, सुन है। इसलिए पांच नाम में क्या है? सस्राकार, ओंकार, रारंकार और फिर आगे आगे सोहंकार और सत्याकार। सुन एक स्थान है, वो है सस्दल कमल त्रिकुटी, सुन महासुन एंड भंवर गुफा, ये है चार पांच। तो जब हमारा शरीर सुन हो जाएगा, जब हमारा मन भी सुन हो जाएगा, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो। नहीं तो हम इन चार तीनों चारों में खेलते रहेंगे। ये मन की स्टेजेज हैं, ये बहुत ऊंची बात मैं कह रहा हूँ, ये मन की स्टेजेज हैं। मन की स्टेजेस को पहले पार करो, मन के आनंद ले लो, मन की मस्ती ले लो, मन की ताकत को इकट्ठा कर लो,
अपने गुरु का रूप अंदर देखो, उनसे जो मांगोगे तुम्हें मिलता जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा एक जगह कि राधा स्वामी मत को मानने वाला कभी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंदर अनुभव करता है, उसका मन पावरफुल हो जाता है, गुरु को वो अपने अंदर समझता है, और फिर जब वहाँ जाता है जो इच्छा होती है उसकी अपने आप पूरी पूरी हो जाती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा मैंने? इसलिए दुनिया ने नाम ले लिया, उसका सिमरन कोई नहीं करता, गुरु की आज्ञा कोई नहीं पालन करता, उल्टे उल्टे सवाल करते हैं दुनिया के, हमारे घर में ये नहीं है, हमारा ये नहीं हो गया, हमारा बीमारी हो गई, ये कोई बातें नहीं हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। गुरु के पास जाओ, पहली बात जो मैंने सीखी कि सवाल ही कोई नहीं करना क्या करना, क्योंकि वाणी में लिखा है बिन बोले सब कुछ जानदा। जब वो बिना बोले सब कुछ जानता है तो फिर वहाँ कहने की क्या जरूरत है? मैंने नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, जो उन्होंने कहा उसको अपनाया, बस बात बन गई। क्या कहा मैंने? इसलिए ये स्टेजेस हैं आम दुनियादारों के लिए, वो जो नाम है वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आम दुनिया के लिए पांच नाम है, और अगर किसी गुरु ने एक नाम भी दे दिया तो वह भी आपको यहाँ से स्टेज से पार करेगा, वो भी नाम आपको मदद करेगा। जिसने समझ लिया कि ये मन का खेल है, वो मन को छोड़ जाएगा, जो मन में फंस गया वो फिर चिंता में आ जाएगा। चिंता क्यों होती है? जिस चीज़ से तुम्हारा लगाव ज़्यादा है और उस चीज़ से तुम्हें अलग कर दिया जाए, तुम्हें दुख भी होगा, तुम्हें चिंता भी होगी। क्या कहा मैंने? जितना हमारा किसी चीज़ से लगाव होगा, जितनी अटैचमेंट होगी, जितना मोह होगा, उतना ही हमें ज़्यादा चिंता भी होगी उस चीज़ के हाथ से निकल जाने के बाद। क्या कहा मैंने? और मोह कुछ भी नहीं है और चिंता कुछ भी नहीं है। अगर पता लग गया कि ये चीज़ अपना टर्न कर लिया, इसने इसका समय ख़त्म हो गया, तो और नया चीज़ ले ली, तो फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। क्या कहा मैंने? ये मेरा अनुभव है, मेरी अटैचमेंट थी एक मशीन के साथ, एक मशीन के साथ जो कान के अंदर लगी हुई थी, वो चली गई, अब मेरे कान को ऊपर रखनी रख पड़ेगी मशीन, ये करना पड़ेगा, इसको बिजली पर लगाना पड़ेगा, ये 24 घंटे उसी में फंसा रहा। फिर अकल आई कि उसने जाना था, क्या बात है, क्या बात, बाबा की ने मदद की कि बच्चा ये छोड़ो, इसकी बात करना छोड़ो, अब कौन इज़ द डे, बचपन का दिन चला गया, नौजवानी चली गई, अब ये आया तो इसके साथ ऐसे चलो, एडजस्ट करो अपने आप को। जिसने अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना सीख लिया, उसे कभी कोई चिंता आएगी नहीं। क्या कहा मैंने? चिंता तब होती है जब हम हालात के मुताबिक अपने आप को घाल नहीं सकते, हम उस हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, वो बनेंगे नहीं तो चिंता होगी। क्या कहा मैंने? आगे चलो। सतपुरुष का रूप दिखाओ, सतपुरुष का रूप दिखाओ, अलख अगम दर सारा। ये बहुत ऊंची बात कही है, अलख अगम नाम अनाम राधा स्वामी धाम, कहते सतपुरुष की कृपा से आगे चलो, आगे चलो, फिर आगे खुद ही कहेंगे, वे आगे खुद ही कहेंगे कि तेरे से नहीं जाया जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आगे सुनना, फिर पढ़ो यही लाइन, अगली लाइन पढ़ो। सतपुरुष का रूप दिखाओ, अलख अगम दर सारा। सतपुरुष क्या है? प्रकाश, तुम्हारे अंदर एक प्रकाश है, उसको सतपुरुष बोलते हैं, और हमारी आत्मा भी प्रकाश है। जब हमारी आत्मा प्रकाश में चली जाती है तो फिर हमें और आगे जाना पड़ता है। कौन सी स्टेज? जो अलख है, जो नज़र नहीं आती है, अगम है जिसकी कोई था नहीं, अपार है जिसकी कोई सीमा नहीं, और अनाम है उसका कोई नाम नहीं,
और उसका नाम रखा राधा स्वामी, कि वो हमारी राधा जो हम हैं, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, तो वो हमारी राधा का घर है, उसको कहते राधा स्वामी धाम। क्या कहा, ये थोड़ा अध्यात्म है, ये हमारे घर का रास्ता है जहाँ हमने जाना है, और जहाँ जाने की हमें इच्छा होनी चाहिए वह हम जा सकते हैं। कैसे, जैसे अब आगे बताते हैं, पढ़ो आगे। ताके आगे राधा स्वामी, ताके आगे राधा स्वामी, वह निज रूप हमारा। आपका भी वही रूप है। क्या कहा मैं, स्वामी जी कहते हैं कि सतपुरुष से आगे क्या आता है, अलख से जाती है, अगम से जाती है, अपार से जाती है, और उसके आगे राधा स्वामी है, और वो जो राधा स्वामी है वो मेरा रूप है। इसलिए स्वामी जी ने सार्वचन किताब लिखने से पहले लिखा क्या, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, आगे क्या है, राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, सुख पावे और दुख हरे। आप समझिए ना, उसको सुख मिलता है और दुख सारे खत्म हो जाते हैं, वो स्टेज आगे है। लेकिन मिलेगी कैसे, आगे पढ़ो, आगे मिलने का रास्ता भी बताते हैं, पढ़ो। धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मैं हर दया से ले सुधारा। कहते हैं तुम क्या करो, धैर्य रखो और सत्संग करो, फिर क्या होगा, मेहर हो जाएगी, दया हो जाएगी और तुम बच जाओगे। होता क्या है, नाम ले लिया, सत्संग में गए ही नहीं, अभ्यास किया ही नहीं, साधन किया ही नहीं, इसलिए 30-30, 40-40 साल के लोगों के मुझे टेलीफोन आते हैं, किसी ने कहीं नहीं नाम लिया, किसी ने कहीं से नाम लिया, किसी ने कहा नाम लेना नहीं है, बस एक विश्वास ले लिया कि मरते समय गुरु ले जाएगा। ले कैसे ले जाएगा, बाबा फकीर ने टंके की चोट पर कहा, मैं किसी को मरते समय लेने नहीं जाता, मैं होशियारपुर में बैठा हूँ, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सारा मन का खेल है। और यही बाबा चरण सिंह जी महाराज कहा करते थे, यहाँ एक पहला सत्संग हुआ ये बस स्टैंड के पास 1962 में, तो मैं उस सत्संग में गया था, क्योंकि मैं यही रहता था उस वक्त, मैं एमए स्टूडेंट था और यही बस्सी ख्वाजू में कमरा था, वो वहाँ रहता था, तो मैं भी गया, मैंने पंखा किया, संगत को ये नहीं लगते थे, आप समझ गए। तो उन्होंने सत्संग में कहा कि गुरु को मानने वालों को दूसरा जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, लोहे की बेड़ियाँ कट जाएंगी, सोने की जेड़ियाँ पड़ जाएंगी, मतलब अच्छा जन्म हो जाएगा, पार नहीं जा सकोगे, आवागमन नहीं मिलेगा। आवागमन कब मिटेगा, जब हम सतपुरुष से आगे जाएंगे, प्रकाश से भी आगे जाएंगे, और वो कब होगा, जब सत्संग में जाएंगे और धैर्य रखेंगे और उसकी मेहर का विश्वास करेंगे कि उसका एक न एक दिन हमारे ऊपर कृपा होगी। पढ़ो यही लाइन। धीरज धरो करो सत्संगत, मैं हर दया से लेऊं सुधारा। बस में मेहर हो जाती है, तुमने मांगा ये है, जो मांगा वो मिलेगा, तुम्हें लगन है कि मैं दोबारा इस दुनिया में ना आऊं, तुम्हें महसूस कर लिया कि ये दुनिया दुखों का घर है, तुम्हें ये महसूस कर लिया कि यहाँ अपना कोई नहीं है, तुम्हें ये महसूस कर लिया कि मेरी मन की इच्छा कोई नहीं रही, मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा किसी चीज़ से लगाव नहीं है, निर्लेप होकर अपनी ज़िंदगी को एज पर हिज विल उसकी मौज में रहकर गुजर करते हो, तो तुम्हें वही स्थान मिलेगा। दूसरा जन्म केवल उसका होगा जिसकी अटैचमेंट है, कहीं भी अटैचमेंट है। बाबा फकीर ने तो जहाँ तक भी कह दिया
कि बाबा श्रवण सिंह जी महाराज कहा करते थे, जिनको ब्यास से लगन है, ब्यास के डेरे से लगन है, वो ब्यास में पैदा होंगे, जिनको हरिद्वार से लगन है वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगे, ऐसा कहा हुआ है। तो बाबा फकीर ने कहा कि जो हरिद्वार में जाते हैं और वो हरिद्वार में मछलियाँ बनेंगे, हरिद्वार की मछलियों तो लोग आटा डालते हैं, और ब्यास में अगर कोई मछली बनेगा तो उसको लोग भून कर खाते हैं, तो अच्छा कौन हुआ? हरिद्वार वाला अच्छा हुआ। क्या कहा मैंने? ये बहुत ऊँची बात कही बाबा फकीर जी ने। नो अटैचमेंट। अटैचमेंट किस से? शब्द से। वो डोर है, वो ही डोर है, उसी से पकड़ना है, दूसरी डोर कोई काम नहीं करेगी। आगे पढ़ो। वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, अब सुन लो, वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। ये हो गया एश्योरेंस, ये हो गया पूर्ण विश्वास के स्वामी जी कहते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें वो रूप दिखा कर छोड़ूंगा, मगर तुम जल्दी क्यों करते हो? जल्दी ना करो, धैर्य से धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। क्या कहा मैंने? देख लो कितनी बड़ी बात कही है। पढ़ो फिर यही लाइन। वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। जल्दी ना करो, बाबा फकीर कहा करते थे, आज आपने आम की गुठली जमीन में डाल दी और कहो कि ये परसों को आपको फल दे दे, ये फल नहीं देगी। आज बच्चा पैदा हो गया, तुम कहो कि मैं परसों को दादा बन जाऊँ, वो नहीं होगे। उसने जवान होना है, फिर उसकी शादी होगी, फिर बच्चा पैदा होगा, फिर तुम दादा बनोगे, ये महाराज जी कहा करते थे। दूसरे शब्दों में उन्होंने यही कहा कि धैर्य धरो, करो विश्वासा, पूर्ण होगी तेरी आशा, मैं तेरी पास तुम्हें दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा, गुरु के हो जाओ बस। मैं तो ये समझा, गुरु के शब्द के हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसको मत छोड़ो। अगर उससे भटक गए तो फिर मुश्किल है, फिर उठना मुश्किल है। गुरु से ने ऐसा लगाओ जैसा मछली का जल से होता है, जैसे कामी का कामना कामिनी कामनी से होता है। बड़ी एग्जांपल दी है संतों ने हमें समझाने के लिए, गुरु से ने। आगे। तुम्हारी चिंता मैं मन धारे, तुम्हारी चिंता मैं मन धारे, तुम अचिंत रहो प्यारा। अब इससे परे और गुरु ग्रंथी क्या देगा? अरे तुम्हारी चिंता भी मैं लेता हूं, तुम अचिंत रहकर प्यार करो बस, इससे परे और ग्रंथी क्या हो सकती है? तुम अपने अंदर प्यार करो गुरु से, तुम अपने आप से प्यार करो, मैं तुम्हारे को वो दर्शन दिखा कर ही छोड़ूंगा। मगर क्या दुनिया इसको ऊपर चलती है? इस ग्रंथी को कोई मानने वाला है? कोई नहीं मानता। कोई होगा नानक कोटन में कहूँ नारायण जन चेत, कोई होगा जो इस बात को मान गया, जा जिस पर गुरु की दया हो गई वो मान गया, बाकी कोई नहीं मानता। फिर पढ़ो जय जन। तुम्हारी चिंता मैं मन धारे, तेरी सारी चिंता मुझे है, तू किस लिए चिंता करता है? बेटा बच्चा अपनी चिंता करता है, बाप करता है, बेटे की चिंता माँ करती है, कोई उस पर को चिंता करता है? नहीं करता। बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, दूर है, बाप को पहले चिंता के पहले तरीको उसको पैसे भेजने हैं, उसकी फीस देनी है, उसने हॉस्टल का पैसा देना है, नहीं चिंता बाप को? बेटे को क्या चिंता? उसको पता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने हैं। ऐसे ही गुरु के वचन पर मानो, वो है, वो है और वो मेरा है, मैं उसका हूँ,
वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, वो मुझे कभी चिंता नहीं आने देगा, आएगी तो उसका साथ ही साथ समाधान भी वो कर देगा। मुझे क्या करने की चिंता जरूरत है, उसने सब कुछ किया तो हुआ है। क्या कहा मैंने, तेरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत देख कर रह कर करो प्यारी, तुम उसके वचन के साथ प्यार करो। आहा, गुरुजी ने ये कहा था, मुझे ये भी कहा है, मुझे ये भी कहा है, उसी को अपने दिल से बैठा लो यहाँ, वो हो जाएगा। क्या कहा मैंने आगे, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीत सवारा। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि संशय छोड़ो, ये दुविधा छोड़ दो। संशय क्या है, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, ये दुविधा संशय डाउट। गुरु के ऊपर कभी डाउट मत करो ना। और वो क्या कहते हैं, संशय छोड़ो, दृढ़ करो, दृढ़ दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ। किस में, श्रद्धा में और विश्वास में। पहले गुरु के प्रति श्रद्धा और दूसरा विश्वास, के संत वचन टारे नहीं, पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो संत के मुखारबिंद से निकल गया वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो पूर्ण होकर रहेगा। यही तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर कहा करते थे कि दाता दयाल ने मुझे फकीर बनाया। उन्होंने कहा तू फकीरों में चांद होगा, मुझे चांद बना दिया। क्या कहा मैंने, मैं समझ गया कि फकीरी क्या है। और कहा करते थे मैं अभी 100% नहीं बना, 95-98% बन गया हूँ, 2% तब बनूंगा जब मैं चुप हो जाऊंगा। क्या कहा मैंने, बड़ी ऊंची बात है ये, बहुत ऊंची, इसको मैं महसूस करता हूँ, इसको मैं महसूस करता हूँ। आगे, यह करनी मैं आप कराऊं, यह करनी मैं आप कराऊं, और पहुंचाऊं धुर दरबारा। आगे क्या कह दिया, ये करनी भी मैं तुमसे मैं ही कराऊंगा। ये बिल्कुल रटल बात है, गुरु तुम्हारे अंग संग तुम्हें गाइड करता है, गुरु तुम्हारे से काम लेता है, गुरु तुम्हारे से जगाता है, गुरु तुम्हारे को सुलाता है, गुरु तुम्हारे को खिलाता है, गुरु तुम्हारे को पिलाता है, गुरु तुम्हें पहनाता, सब कुछ वो ही कर रहा है। हम तो मन के पीछे लगे हुए हैं कि मन ये करता है, कुछ नहीं करता। ये करनी मैं आप कराऊं, क्यों, इसको समझो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। क्या कह मैंने, गुरु तुम्हारे से अलग नहीं है, वो तुम्हारे अपने अंदर बैठा है, सुरत रूप में बैठा है। और सुरत जब भी तुम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, सुनो, जब तुम्हारे से कोई गलत काम हो जाता है तुम्हें अंदर से फटकार होती है, फटकार, ओह मैंने गलती किया, मैंने गलत किया, ये गलत हो गया, होता कि नहीं होता। तो कहाँ से, वो गुरु है अंदर तुम्हारे, ही इज़ योर गाइड, वो तुम्हारे शरीर का मालिक है, वो तुम्हारे मन का भी मालिक है, वो तुम्हारी आत्मा का भी मालिक है, और वो सुरत रूप में है, उसको ढूंढ लो, तुम्हारा कर्म हो जाएगा। इसलिए कह दिया उन्होंने, ये करनी मैं आप कराऊं। वो वहां से नहीं आते, घट घट के बासी हैं वो। कह नहीं दिया दाता दयाल ने, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको भी। क्या कहा मैंने, और कबीर क्या कहता, कबीर भी तो यही कहता है, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजार ही किया। क्या कहा मैंने, बाबा फकीर क्या कहते थे, वो भी तो यही कहते थे, गुरु तुम्हारे, आहा फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो फिर कहाँ जाए गुरु को ढूंढने, बोलो, तो गुरु तो तुम्हारे पास है, वो तो तुम्हारे पास है,
और एक शब्द मैं सुनाता हूँ और आपको मौज आ गई, आगे पढ़ो। राधा स्वामी कहत सुनाए, राधा स्वामी कहत सुनाए, जब जब मौज हुई बिचारा। जब उसकी मौज हो जाएगी तुम वहां पहुंच जाओगे, तुम्हारी मन की मौज वहां नहीं लेके जाएगी, वो पहुंचाएगा, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा गाइड है, वही तुम्हारा बेनिफिक्टर है, वही तुम्हारी चिंता करता है और वही तुम्हारे को ठीक रास्ते पर लाने वाला है, बिशर्ते के हमने उसको मान लिया। निकालना सवाल दाता दयाल का, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। यहाँ भी गुरु जी दाता दयाल कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पढ़ो। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। चिंता कौन करता है? मन। गुरु नहीं चिंता करता है, वो तुम्हारे अंदर जो बैठा वो चिंता नहीं करता, वो अभव है, ऊपर है। मन चिंता करता है और मन को चिंता करवाने वाला कौन है? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी बुद्धि। ये हमारे जो अंदर बुद्धि है ना, हमारी अकल, ये हमें, ये भी हमारा काम खराब करती है। मन और बुद्धि जो है ये हमारे को गलत रास्ते पर ला सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं। इसलिए पहले इनको समझना है कि मन बुद्धि क्या है। क्या कहा मैंने? मन बनता है।